जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी की जो कुंडली है उसमें अभी शुभ समय आ रहा है और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि 2G घोटाला जो हुआ था, सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा था, उसमें से कई सारे लोग बरी हुए हैं और अब कांग्रेस इसके बाद, इससे बरी होने के बाद में राष्ट्रीय राजनीति में और आगे बढ़ पाएगी? देखिए, जब हम कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इमरजेंसी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का गठन किया। जी, उसकी कुंडली का निर्माण बहुत बार हम लोग यहाँ पे विश्लेषण कर चुके हैं। हाँ। जब हम उस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैं बार बार राजमंत्र के माध्यम से 17/7/2017 का एक राग लेकर बैठा हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। उस राग के बाद में आपने देखा कि महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र में कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस, जो लोग जिसको भूल जाना चाहते थे, या भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। और राहुल गांधी जो है, उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में आकर उभरे हैं। जी, चाहे देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है और नई पार्टी वहां पे जन्म ले, नई पार्टी जो है वही जीतती है। जी। मगर गुजरात में जिस तरह से नेक टू नेक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर दिया, मुकाबला किया, जैसे हम यहां पर बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं उससे ये लगता है। और दूसरा, 2 से 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की खिल्ली उड़ाती थी कि यहां पर 2G स्कैम हो गया, यहां पर कोल घोटाला हो गया, यहां पर आदर्श घोटाला हो गया। उनमें उसमें से आधे से ज्यादा अब भी लोग ये सोचने लग चुके हैं, जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं कि कुंडली के हिसाब से कांग्रेस, और एक मैं राग अलाप रहा हूं, 18/2/2018 के बाद कांग्रेस और मजबूत होगी। अच्छा, ध्यान रखिए, राहुल गांधी की अध्यक्षता में जिस तरह के रिजल्ट गुजरात में दिखने को मिले हैं, उससे बेहतर रिजल्ट राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। और यहां तक कांग्रेस के ऊपर आरोपों की जो बौछार थी, वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि वो फेक निकले हैं। जी, बिल्कुल। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की सही है कि जब एक आदमी बीमार होता है वो ठीक हो जाता है तो और मजबूत हो जाता है। जी। तो ये तो बीमारी थी कांग्रेस के लिए, इसलिए वहां से बाहर निकलकर जब कांग्रेस अभी अपना चेहरा सामने लाकर दिखाएगी तो डेफिनेटली कांग्रेस की मजबूती राहुल गांधी की कुंडली में उदयकाल 17/7/2017 से और उसके बाद कांग्रेस में जो विश्वयोग का निर्माण था वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। एक बार आपको विरोध कांग्रेस के माध्यम से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक नई चाल जो है आपको नजर आएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आज आपने फिर से एक धमाका किया है।